नमस्ते स्टूडेंट्स, आई जेवी एन इंदु, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, जयोति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। टुडे आई विल डिस्कस स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, इन एनी लीनियर bilateral multi-source network, the current or voltage across any branch can be calculated by taking the algebraic sum of values calculated by taking one source at a time and replacing the other active sources by their internal resistances। It means superposition theorem के according किसी भी linear bilateral multi-source network में current and voltage की value किसी भी branch के अंदर calculate करने के लिए हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे वैल्यूज का जो कैलकुलेटेड होंगे बाय टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेसिंग द अदर एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इट मींस हमें कोई नेटवर्क गिवन है, वो नेटवर्क कैसा है? लीनियर बायलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क है। मल्टी सोर्स नेटवर्क का क्या मीनिंग है कि उसके अंदर मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेस या फिर करंट सोर्सेस या फिर दोनों सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। देन उसके अंदर किसी भी ब्रांच में अगर हमें वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस हमें वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है या किसी भी ब्रांच में हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? एट अ टाइम किसी एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे एंड रिमेनिंग अदर एक्टिव सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से एट अ टाइम ओनली वन एक्टिव सोर्स रहेगा एंड अदर रिमेनिंग एक्टिव सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से लास्ट में हम हर एक सोर्स एक्टिव सोर्स की वजह से उस पूरे सर्किट के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर कितना एनर्जी, कितना वोल्टेज या फिर कितना करंट, कितने करंट के लिए कितने एनर्जी के लिए, कितने पावर के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन हमें पता चल जाएगा। मींस सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिकली यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं कि कोई भी मल्टी सोर्स लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है तो उसके अंदर अगर किसी भी ब्रांच के अंदर हम लोग को करंट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? एट अ टाइम ओनली एक एक्टिव सोर्स को एक्टिव रखेंगे एंड रिमेनिंग एक्टिव सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि पर्टिकुलर एक एक्टिव सोर्स, उस एक एक्टिव सोर्स की वजह से उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर उसका पावर कितना है, ये हमें पता चल जाएगा कि हर एक सोर्स का कंट्रीब्यूशन हमें पता चल जाएगा कि उस नेटवर्क में कितना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास में 4 एक्टिव सोर्सेस है सर्किट के अंदर, तो एट अ टाइम ओनली वन एक्टिव सोर्स को हम लोग एक्टिव रखेंगे एंड रिमेनिंग 3 एक्टिव सोर्सेस को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर वो रिमेनिंग एक्टिव सोर्सेस क्या है? वोल्टेज सोर्स है, तब तो क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 ओम, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। एंड अगर वो अदर सोर्स क्या है, एक्टिव सोर्स क्या है? करंट सोर्स है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है?
इनफाइनाइट, तो उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो अगर हमारे सर्किट में 4 एक्टिव सोर्सेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एट अ टाइम ओनली 1 एक्टिव सोर्स को हम क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे, रिमेनिंग को क्या कर देंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फोर टाइम्स जो वैल्यूज निकल के आएंगे, सपोज हमें करंट फाइंड आउट करना किसी ब्रांच के अंदर, तो यहाँ पे 4 एक्टिव सोर्सेस थे सर्किट में, तो 4 टाइम्स करंट की वैल्यू निकल करके आएंगी, और लास्ट में हम लोगों को उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी करंट की। तो इससे हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, कि हमें ये पता चल रहा है कि पर्टिकुलर एक एक्टिव सोर्स की वजह से एक एक्टिव सोर्स का नेटवर्क के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। सो टुडे आई डिस्कस्ड द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय टुडेज डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजोल्व इट ऑन द लाइव सेशन। थैंक यू।